के गलियारों में हमेशा ही सेलिब्रिटीज अपने प्रोफेशनल करियर और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा बटोरते हुए देखे जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ये सेलिब्रिटीज अपने इंटरव्यूज के जरिए अपने दिल की बातों को शेयर करते हुए नजर आते हैं, अपनी खुशी को जाहिर करते हुए देखे जाते हैं, तो वहीं अपने दर्द को छलकाते हुए भी नजर आते हैं। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस और इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा के बारे में। हाल ही में गीता बसरा ने अपने दिल के दर्द को बयां किया है। आइए जानते हैं क्या कहा है गीता बसरा ने अपने इंटरव्यू के जरिए। वेल, दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि गीता बसरा ने हाल ही में अपने बेटे को जन्म दिया है। गीता बसरा ने बीते महीने ही अपने प्यारे बेटे को जन्म दिया है। गीता बसरा दूसरी बार मां बनी है। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि गीता बसरा और हरभजन सिंह ने अपने बेटे का नाम जोवन वीर सिंह रखा है। बेटे के जन्म के बाद हाल ही में गीता बसरा ने अपने दिल के दर्द को बयां किया है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि गीता बसरा ने बताया है कि पिछले 2 सालों में उन्हें 2 मिसकैरेज हुआ था। गीता बसरा ने बताया है कि इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2 साल मेरे लिए दर्दनाक रहे हैं, लेकिन मैंने खुद को टूटने से रोक लिया। मैंने खुद को मजबूत रखा और खुद को डाउन नहीं होने दिया है। बता दें आपको कि गीता बसरा का पहला मिसकैरेज साल 2019 में हुआ था और दूसरा मिसकैरेज साल 2020 में। दोनों ही मामलों में गीता बसरा अपने पहले ट्राइमेस्टर में थी। दोनों बार हरभजन सिंह साल 2019 में जब गीता बसरा ने उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था तब वह पंजाब गए थे, और साल 2020 में दोनों ही एक दूसरे के साथ थे और ये समय था लॉकडाउन का। शादी से पहले भी मैं बच्चे चाहती थी, एक नहीं बल्कि 2। तो वहीं गीता बसरा का अब ये सपना पूरा हो चुका है। बता दें आपको कि गीता बसरा की एक बेटी भी है। वहीं गीता ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि उन्हें अपने ससुराल में एहसास हुआ था कि वो 4थी बार प्रेग्नेंट हैं, तो उन्होंने कोई चांस नहीं लिया। मैंने पहली तिमाही में पूरी तरह से आराम करने का फैसला किया। मैंने बस अपने विटामिन्स लिए और पहले 3 महीनों के ख़त्म होने का इंतज़ार किया, और उसके बाद हम मुंबई आए और थोड़े दिनों बाद मैंने योगा करना शुरू कर दिया। इससे मुझे काफ़ी मदद मिली। आखिरी तिमाही में मैंने काम किया और मुझे फीलिंग रही कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से गीता बसरा ने अपने दिल के दर्द को बयां किया अपने इंटरव्यू के जरिए। बता दें आपको कि साल 2015 में गीता बसरा और इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह शादी के बंधन में बंधे थे और आज 2 बच्चों के पेरेंट्स बन चुके हैं। गीता बसरा ने शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और अपने बच्चों की परवरिश में जुटी हुई हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।